जिला परिषद की आम सभा बजट स्वागत करने के लिए ही आयोजित की गई थी, लेकिन बजट पर तो चर्चा नहीं हुई। उलट ओबीसी की 16 सीटें रद्द होने के मामले पर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ। अश्नियार में मंगलवार सुबह दुरंतो एक्सप्रेस की शंटर के दौरान की मेन ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ओम प्रकाश आत्माराम राउत बताया गया। 24 घंटे के भीतर की गई जांच में जिले में कुल 2,587 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। सोमवार की तुलना में यह संख्या 290 अधिक है। मनपा आयोग के नए आदेशों के बाद अब मेडिकल स्टोर को छोड़कर सारी दुकानें 1 बजे बंद हो जाएगी। इस समयावधि का सख्ती से पालन हो इसलिए अब मुख्य मार्गों के अलावा बस्तियों में भी गश्त बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सिविल लाइन्स परिसर में स्थित रानी कोठी लॉन के रूम से अज्ञात आरोपी ने नगद 95,400 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने पप्पू नंद किशोर सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। ट्रिपल सीट जा रहे युवक की बाइक सड़क पर खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में 3 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिटी में मंगलवार को जेईई का एग्जाम छात्रों के लिए काफी टेंशन भरा रहा। दो पालियों में हुई परीक्षा में सबसे ज्यादा छात्र मैथ्स की कैलकुलेशन में उलझ रहे। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण पर नियंत्रण के लिए प्रत्येक कार्यालय स्तर पर सहायक आयुक्त के नेतृत्व में प्रशासकीय जिम्मेदारियां तो बांटी गयी। इसके बाद भी मंगलवार को मनपा आयुक्त कॉन्टेंट ट्रेसिंग के लिए स्वयं मैदान में उतर पड़े। खुड़कीश्वर थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने घर में फांस लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका राधानगर निवासी पूजा चंद्रशेखर बनोदी बताई गई। मनपा आयुक्त के आदेशों पर एनडीएस की ओर से शहर के सभी 10 जोन में दस्तक देकर दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पर नकेल कसी जा रही है। इसी बीच एनडीएस दस्ते ने मनपा के सभी जोन से लगभग 52 समारोह स्थलों की जाँच की।